बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रियल इस्टेट की रियल बात के साथ मैं हूं हसन नवाज़। शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के शुरू होते ही लोगों के लिए नई अनाउंसमेंटें और नए सरप्राइज़ आना शुरू हो चुके हैं। पहला इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो एक सरप्राइजिंग बात थी वो 98 कनाल के ऊपर गोल्फ रेंज सरगोधा की हिस्ट्री में किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से एक बड़ा इनिशिएटिव है, ये एक बड़ी बात है। और अभी रिसेंटली दूसरी जो ये एक न्यूज़ है वो जो स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो मेन कमर्शियल एरिया है इस प्रोजेक्ट का, जो कि 15 एकड़ के ऊपर है, जिसमें आपको फूड चेन्स मिलेंगी, जहाँ पे आपको रियल्टर एजेंसीज मार्केटिंग एजेंसीज के हवाले से एक बड़े खूबसूरत ऑफिस आपको मिलेंगे। मेन हेड ऑफिस का क्याम है शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनी का, और इसी में जो एक ब्रिटिश ब्रांड है एमजी कार मोटर, उसके साथ शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन मलक हिजर हयात अवान साहब और जो सीईओ हैं इस कंपनी के, जो कि पाकिस्तान में इस एमजी कार मोटर को देख रहे हैं, मिस्टर फिगो के साथ एक एमओयू साइन हुआ। और क्योंकि इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग और इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग को देखते हुए अब जो नेशनल और मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो फूड्स के हों चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री से हों, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट की तरफ अब देखना वो शुरू हो चुके हैं। और इसीलिए अभी ये एमओयू भी साइन हो चुका है ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, जो चार कनाल के ऊपर जो लैंड मुख्तस कर दी गई है मेन एंट्रेंस के साथ ही। और जो एमजी गाड़ी की जो एसयूवी है, आप उससे बहुबी वाकिफ़ हैं, वो एक अपना नाम एक मुकाम पाकिस्तान में बना चुकी है, अपने इंटीरियर की खूबसूरती अपनी एक्सटीरियर की खूबसूरती के हवाले से एक अच्छी गाड़ी है। और तकरीबन 2 और 3 माह के बाद जो कि एमजी 4 जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक के हवाले से, जो एमजी जो वो लेके आ रहे हैं और इसको वो लॉन्च करेगी इंशाल्लाह सितंबर और अक्टूबर में, वो यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी। और ये भी आपको ऐसी जो स्मार्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का जो मेन कमर्शियल एरिया है इस यहाँ पर बनेगा, और ये बड़ा इनिशिएटिव है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा और इसके डेवलपमेंट जैसे जैसे होती जाएगी, और भी नई चीज़ें आएंगी, वो हम आपके साथ वो शेयर करते चले जाएंगे।